आपको दिखाता हूँ हर जगह इतने सुंदर। और यहाँ से ताड़केश्वर पांच भाई ने ये अभी निकाली। यहाँ पे पहले मैंने करवाया इन हेलो साथियों, राम राम, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे और होने भी चाहे साथियों। और बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट जो मिल रहा है मेरे ब्लॉग में। इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और इस समय मैं कोटदार जा रहा हूँ आज, और डायरेक्ट घर से लेके स्कूल गया। पहले स्कूल से आप कोटदार जा रहा हूँ, छुट्टी हो गई तो कोटदार में यहीं गर्मी बहुत अधिक लग रही है, तो कोटदार में तो और भी भयंकर होगा। तो धीरे धीरे ब्लॉग बना के जा रहा हूँ और भाई से मिलने जा रहा हूँ कोटदार में। तो भाई को भी सरप्राइज है, एक भाई को बताने मैं आ रहा हूँ कोटदार में। पहले प्लान नहीं था, अचानक प्लान बना, तो चलते हैं मिलेंगे। यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर रखी है मैंने, और यहाँ आगे लंगूर है तो उनका वीडियो भी बनाता हूँ अगर भागेंगे नहीं तो। तो चले दोस्तों, बने रहे वीडियो में। तो दोस्तों देख सकते हो आप, बैक साइड में बांस का पेड़ है और कितने सुंदर लाल लाल फूल खिले हुए हैं, मनमोहक फूल। आप देख सकते हो, नज़ारा लीजिए, आइए। ये ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मैं सोच के ये सोच रहा हूँ कि कोटदार में इतनी गर्मी में जाने का मन तो नहीं हो रहा, पर लेकिन क्या करें, जाना पड़ता है। तो चले देखते हैं। साथ निभाते सब आसे भेजी तुम कहां से। हाँ हूँ मैं पहाड़ से, खून में पहाड़ी है, बसता देखो स्वर्ग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ वैली सुंदर वादी है। ये देखो साथियों, हाँ कितने सुंदर बांस के फूल लगे हुए हैं, वो दिखाते हैं आप। वास्तव में साथियों, कोटदार जाने का मन ही नहीं कर रहा, आपको दिखाता हूँ हर जगह इतने सुंदर सुंदर बुरांस के फूल खिले हुए हैं। और क्या साथियों, आधे रास्ते में रुका मैं, और यहाँ देख सकते आप एक अंकल जी बकरियाँ चला रहे थे, तो मिलते हैं उनसे। अच्छा, गांव नाम फिर बता दे बोल। गांव नाम रिंगलन। रिंगलन है। अच्छा, तो पूरा टोटल का दचा ना 25। और यहाँ से ताड़केश्वर 5 किलोमीटर ये रिखणी खार के लिए समाज सेवी नीलानंद लखेड़ा जी स्मृति द्वार है। यहाँ पे बहुत बड़े समाज सेवी थे। ये देखिए, बहुत ही सुंदर रोटल देवता मंदिर नया बना, जीर्णोद्धार किया हुआ है उसका सफेद, उसमें दे सकते हो। और कितनी अच्छी जगह में है, इस गांव के लोगों का, इस क्षेत्र के लोगों का कुल देवता रोटल देवता मंदिर। ये देखिए, इतनी तेज धारा बह रही है और दे सकते हो, बहुत ही अच्छा चलते आगे तो दे सकते हो। भाई साहब, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई है। ये डेरे काल है, और यहाँ से डेरे काल से 1.5 किलोमीटर आगे कोटदार के रूप है, दे सकते हो। चलते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं है। ये देखो, नेपाली बच्चा रखा हुआ गोद में, पूछते हैं और किस चीज के पेड़ है यहाँ, दे सकते हो गैस की गाड़ी। अब पहुंचने वाला हूँ मैं दोड्डा, उससे पहले जो यहाँ पे दिखाते हैं आपको साथियों, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही अच्छा कर रखा है। देख सकते हो आप, धीरे धीरे शाम भी ढल रही है, और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कर रखा है। नीचे नदी भी बह रही है, आप आनंद ले सकते हैं। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आप यहां आ सकते हैं। दुगड्डा से मात्र 1 किलोमीटर आगे है मेरे ख्याल से,
सामने टावर भी लग गया अब नया, पता नहीं कौन सा है पर जियो का ही होगा। तो सुंदर व्यू, एकांत जगह घाटी में बसा हुआ। आइए पिकनिक मनाने के लिए, आइए आप लोग भी और एंजॉय कीजिए पहाड़ों की वादियों में, नदी में। चलते अब आगे को। वास्तव में दोस्तों आज का सफ़र इतना आनंदित सफ़र है कि पूछे मत। अब यहाँ पे देख सकते हैं बाइक साइड में, आप खेत तो आप बंजर हो गए पर वहाँ लड़कों ने आवाज कर रखा है, क्रिकेट खेल रहे। इस समय दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए आप क्रिकेट खेलते हुए। एक गेंद, एक गई बॉल, कुछ नहीं विकेट कीपर के पास। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, डबल रन, बाय। चल रहा मैच, खेलते रहना है, कल आएगा यूट्यूब में। हाँ हाँ, रावत फैमिली पहाड़ी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। कमेंट लिखना कि हम खेल रहे। ओके ओके, खेलते रहो। दोस्तों दुगड़ा मार्केट क्रॉस कर लिया मैंने, सामने दुगड़ा मार्केट है। अब यहाँ से बहुत ही ठंडी जलधारा बह रही है, इसका सौंदर्यकरण पिछले साल हो गया था, 1.5 साल हो गए। बहुत ही ठंडा पानी, स्वच्छ पानी, और इस किस्म में यहाँ पे एक ठेली भी रहता है, बन टिक्की बनते हैं यहाँ पे। और नगर पालिका परिषद दुगड़ा भावना चौहान अध्यक्ष, यहाँ पे भी कुछ लोग फोटो खींच रहे हैं। मैं भी बोतल भर लेता हूँ अपना, बहुत स्वस्थ पानी कोदार में नहीं मिलेगा ऐसा पानी, फिर लेट हो रहा, जल्दी चलता हूँ। हाँ बिल्कुल, मस्ती में और लगे बस्त में, भाई लोग भी बता रहे हैं। मजा आ गया पानी पी के। चले आप फिर हैं कोटदार, यहाँ पे सड़क टूटी हुई है, ये देख सकते हो आप, डाली जा रही है। जय शिवबली बाबा। तो दोस्तों बिल्कुल शाम हो चुकी है, लाइटें ऑन हो गई है गाड़ियों के, देख सकते हो आप। और इस समय टाइमिंग क्या हुआ होगा दिखाते आपको। फिलहाल तो शिवबली बाबा के दर्शन कीजिए, पहुँच चुका हूँ मैं कोटदार में। ये शिवबली सिद्ध बाबा हनुमान जी का मंदिर है, ये आरती चल रही है अभी मंदिर में। और यहाँ से कर्ण आश्रम भी ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे ख्याल से 8-10 किलोमीटर है। तो आप लोग भी आइए, प्रसिद्ध सिद्ध स्थान है यहाँ पे, कहते हैं कि हनुमान जी ने बहुत तपस्या की थी, तो साक्षात हनुमान जी विराजमान। तो चले अब पहुँच चुका हूँ जहाँ पहुँचना था मुझे, सरप्राइज़ देंगे भाई को भी। भाई मार्केट आया हुआ है, मैंने पता किया, तो पूछते हैं भाई। और दिख गया मुझे छोटा भाई यहाँ पे, घर आया हुआ है, आर्मी में है। और मुझे ही ढूंढते हुए आ रहा है इधर, शायद उसकी नज़र भी पड़ गई मेरे ऊपर। तो
साल बाद मिलते लगभग। हेलो भाई, ने ये अभी निकाली हुई है शोरूम से TVS जुपिटर, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। चले यहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग की और अपने लिए, और अब यहाँ से बाइक चलाएगा भाई और मैं जो स्कूटी लाया हो नया वो चलाऊंगा। चले चले चलो, ओके मिलते हैं फिर आगे, बाय। फाइनली दोस्तों पहुंच चुका हूँ मैं ये गेट मेन रोड तड़ैल चौक से थोड़ा आगे राउत मार्बल की सामने, और देखते हैं बच्चों का क्या रिएक्शन होता है। पहले तो डांट मैं ही खाऊंगा, ये तो हमारे साथ था, ये तो कहाँ गए, रिएक्शन क्या होगा, घर में तो ताला लगा हुआ है, तो हो रिएक्शन क्या होगा मैं सोचा देखता हूँ। तो ये तो ताला स्वयं, हाँ अभी आ रो आ रो, अभी रुक जा, पहले खोलने तो दे, तेरे लिए वो जो तो ताल लग रहा भाई, टेम भी से चाबी हाँ। और अभी फोन कर रहे हैं, चाबी है कहाँ, पास के है, ले फिलहाल चॉकलेट निकाल ले, चॉक ले लिपो, ये ले लिपो, रुक इसमें ले लिपो, देखो बच्चा ले लिपो, क्या बात आगे। अच्छा पहले मैंने करवाया इंतजार, चला था मैं 2 बजे रिखनी खाल से, देवो खाल से, और कंटिन्यू चलता तो यहाँ 5 बजे से पहले पहुँचता, पर लेकिन 8 बज चुके हैं, 3 घंटा लेट ब्लॉग बनाते बनाते। अच्छा अच्छा तो नहीं पड़ेगा, ठीक ठीक ठीक। हमें 1.5 घंटा इंतजार करने के बावजूद श्रीमती जी आ चुके हैं, अब आ चुके हैं घर वाले, और यहाँ पे नमस्ते, हाँ ठीक। और ये हमारे टकलू बेबी, अरे हीरो लग रहा, क्या बन रहा वाले, ये फैशन है हमारे बाबू बाबू बाबू। अबे ये कौन है मेरा हीरो, देखो भाई कमजोर हो गया रे कमजोर, रात है हमारा मन भाई बाबू। चलो उठाओ सामान, चलो अंदर आओ मेरा हीरो, आओ 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 आओ, पहले तो कागज रख दिला, पानी लाइए ठंडा सा, हाँ कैसे लग रहा भूख, भूलते है अब भाई, हाँ बाबू अब आ चुका हूँ मैं भाई के घर में, भाई के घर में छोटे भाई के, और मेरी बिटिया रानी पप्पा पापा, अट्टा अट्टा कर दो बाबू, बाय बोला, हमारे चैनल को देखते रहना मेरे टकलो रानी, बाय बाय, खाओ चॉकलेट खाओ। हेलो हे टकलो, आप वाह जुड़वा, खाओ खाओ, ये होते हैं बेटे दोस्तों, देख लो कुछ भी रहेगा तो पापा को जरूर देती है। चलो यहीं पे भी लोग समाप्त करते हैं, और आज का सफर बहुत लंबा हो गया, बाय बाय करो, टाटा करो, बाय।